हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग है, देखिए। और मेरे यहाँ 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश हुई है, देख सकते हैं आप, पूरा गीला हो रखा है। और शाम को ठीक हो जाती है तो हम लोग शाम को थोड़ा छत पे आ जाते हैं घूमने। ऐसे दिन में बारिश हुई थी और हम मायके गए थे, तो मायके से तो जल्दी आ ही गए थे 2-3 दिन में ही, तो उसके बाद हम कहीं गए नहीं अभी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम कहाँ जाएं। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि अभी बारिश ठीक है तो थोड़ा मार्केट जाएं, क्योंकि अब जाने का भी टाइम आ गया, तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे। तो आज हम लोग जाएंगे, हो सकता है तो मार्केट, देखते अभी कोई प्लान नहीं बना है, लेकिन कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ थोड़ा दूर है तो टाइम लगता है जाने में, तो सोच के ही जाना होता है, ऐसे नहीं कि जब मन किया चले गए। और चीकू भी घूमने गया है बाहर, वो यहाँ आया तब से घूमते ही रहता है, खूब घूमता है, तो वो घूमने गया है और हम छत पे आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम मॉर्निंग में छत पे आते हैं। और मुझे ये पेड़ पौधा देखने में बहुत अच्छा लगता है, और बारिश होती है उसके बाद तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है, हरा भरा एकदम लगते रहता है, तो इसलिए हम आते हैं छत पे। और अभी तो खाना वाना नहीं बना, नाश्ता वगैरह, तो हम अब बनाएंगे नाश्ता उस्ता, उसके बाद खाना बनाएंगे, थोड़ा जल्दी बना लेंगे क्योंकि मार्केट जाना है, तो फिर जल्दी ही थोड़ा बना लेंगे और मार्केट में थोड़ा बहुत सामान खरीदेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मेरा मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक भी बनता है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया कीजिए। और हम आप लोगों को कुछ सामान दिखाएँगे आपको, जो मेरी सासू मेरे लिए बना के रखी हुई हैं, गाँव का चीज़ है, जो क्या क्या बना के रखी हुई है, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोगों को पता ही है कि हम गांव आए हुए हैं, तो इसलिए गांव का चीज़ कुछ अलग ही होता है, जो बाज़ार में मिलता नहीं है, ख़रीद के तो खाते हैं, बट जितना अच्छा हाथ का बना हुआ होता है उतना अच्छा ख़रीदा हुआ का टेस्ट नहीं होता है। तो मेरी सासू माँ बूढ़ी है और मेरे लिए कितना कुछ बना के रखी है, तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बना के रखी हुई है। तो ये देखिए कितना सारा सामान बना हुआ है। और अभी मम्मी बाहर सबको निकाली है, थोड़ा सा धूप बोली है सुखा देते हैं धूप में, क्योंकि कितने दिनों से डब्बे में पड़े थे। तो ये तिलौरी है देखिए, और पता नहीं क्या क्या चीज़ का तिलौरी है, ये मुझे पता नहीं है, बट कितने तरह का तिलौरी बनाई हुई है, कलरफुल भी है, रेड कलर और वाइट कलर में बनाई है, तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और ये पता चल रहा है कि ये शायद साबूदाना की तिलौरी है। तो देखिए ये इधर आलू का चिप्स है ये, और आलू का चिप्स जो हाथ का बना होता है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए कितना सुंदर है, छोटा छोटा, इसको जब हम भूनते हैं तेल में तो ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और ये बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए ये साग का बना होता है, क्योंकि क्या होता है कि सीज़न में साग मिलता है जो दूसरे सीज़न में वो नहीं मिलता है, तो इसको गांव में क्या करते हैं लोग, सुखा लेते हैं और उसको डब्बे में स्टॉक करके रख लेते हैं, और जब मन करता है तो उसको बाद में खाते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में। तो ये मम्मी मेरे लिए बनाई है। इधर ये देखिए ये सब भी है, जो कोई सब्ज़ी वगैरह होता है जिसको हम बाद में खा सकते हैं, वो बाद में नहीं मिलता है तो उसको काट के सुखाते हैं गाँव में। तो ये सारे गांव का सामान है, ये भी गोभी का है और इसको भी काट के सुखाई हुई मम्मी, कभी कभी क्या होता है कि गोभी में कीड़ा हो जाता है या नहीं मिलता है, तो उस टाइम में हम इसको बना के आराम से खा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये गोभी का सूखा कैसे बनता है ये मुझे भी आता है बनाने, तो आप लोगों को अगर बनाना हो ऐसे गोभी का सूखी तो पूछ सकते हैं कि हम कैसे बनाते हैं गोभी का सूखी। हम लोग ऐसे तो मेरी मम्मी बनाई हुई है, तो हम यहाँ से ले जाएंगे ये सारे। और ये देखिए साबूदाना का कितना अच्छा बना है तिलौरी, और इस पर साबूदाना का दिख भी रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये साबूदाना का है। और इस साबूदाना का तिलौरी बहुत ही अच्छा होता है, ये जब फूलता है तेल में तो इतना बड़ा बड़ा, बहुत टेस्टी होता है। और ये है, इसकी भी सब्ज़ी ही बनती है, तो ये भी है बेसन वगैरह का बनता है, जो गाँव में एक फल आता है उसी का बनता है, तो इसकी भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए इसको भी हम ले जाएंगे, और इसको हम बैंगन में डाल के आलू के साथ किसी के साथ बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है, ऐसे बैंगन के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये है ये तिलौरी, इतना सामान है देखिए कितना है।
और मैं तो बहुत खुश हुई ये सब देख के, इतना सामान मुझे ले। बहुत देखो कहाँ गया चीकू, इधर आओ। चीकू इधर, चीकू इधर 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 स्टाफ लास्ट में मिस्टर सरवाल कैश कॉन्टेस्ट सब पर करेंगे। गिर जाए।